दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, कैसे वीडियो अपलोड करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं यूट्यूब पर। तो फ्रेंड्स हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और जो वीडियो हमें शूट किया है उस वीडियो को हम अच्छे से एडिट करके यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। अब गाइस आपको यहां पर क्या करना है, यहाँ पर आपको टाइटल लिख लेना है, कोई सा कुछ भी नाम दे देना है अभी यहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन अभी छोड़ देना है, और यहाँ पर आपका पब्लिक होगा तो यहाँ पर आपको कर देना है अनलिस्टेड, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अगर आप यहाँ पर और यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको यस इट्स मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पर आपको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स रहने देना है। और नीचे आपको लोकेशन वाला ऑप्शन देख रहा है, अगर आपको लोकेशन ऐड करना है तो आप लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। वैसे अगर आप लोकेशन ऐड करोगे तो जो भी लोकेशन आप ऐड करोगे तो उसी एरिया में आपकी वीडियो ज़्यादा जाएगी। मैं वैसे लोकेशन तो ऐड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताने के लिए कह देता हूँ। और ऐड प्लेलिस्ट अगर आपको करना है तो टेक्निकल वीडियो अपनी प्लेलिस्ट भी ऐड कर दीजिए और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो गई है, तब तक हम क्या करते हैं, इसी वीडियो के लिए हम अपने पिक्सल लैब में जाकर थंबनेल बना लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इमेज साइज हम सिलेक्ट करेंगे, यूट्यूब थंबनेल, अभी हमें टेक्स्ट तो कुछ लिखना नहीं है। अब यहाँ पर हम कोई इमेज सिलेक्ट कर लेंगे बैकग्राउंड वाली, तो फ्रेंड्स मैंने थंबनेल बना लिया है और अब मैं इसे सेव कर लूँगा शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, और तब तक वीडियो भी अपलोड हो गई है। हम चलेंगे अपने YT स्टूडियो में। जैसे ही हम YouTube स्टूडियो को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारी वीडियो जो अभी हमने अपलोड की है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इस पर जो टाइटल है वो हमें इसे देना है, क्या है इसे अब हम ऐड डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखेंगे, जो हमने पहले वीडियो अपलोड की थी पहले हम इसमें लिख देंगे हाय, देन इतना हम इस वीडियो को सेव कर देंगे। और जो वीडियो हमने पहले सेव की थी
उसका डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर लेंगे एंड इस वीडियो में। देन अब हम इसमें अपना थंबनेल लगाएंगे जो हमने अभी बनाया था। सेलेक्ट कर देंगे और फिलहाल इतना सेव कर देंगे, फिर से एडिट करेंगे। और यहाँ पर ऐड टैक्स यानी कि टैक्स इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर टैग ऐड कर देंगे हाउ टू यूज कम्युनिटी टैग। इस तरह से हम इसे यहाँ पर टैक्स ऐड कर देंगे। तो गाइस मैंने यहाँ पर टैग्स ऐड कर दिए हैं। आपको ध्यान रखना है जब भी आप टैग ऐड करो तो अपने चैनल का नाम हैशटैग देख के लिख लेना है। तो अब मैं यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पर सब कुछ डाल दिया है यानी कि डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है और टाइटल भी दे दिया है वीडियो को। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर अनलिस्ट से वीडियो को डायरेक्टली पब्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर शेड्यूल लगाना चाहते हो या सेट एज प्रीमियर सेट करना चाहते हो तो शेड्यूल भी लगा सकते हो, बट मैं जस्ट इसी टाइम इस वीडियो को अपलोड करूँगा तो मैंने यहाँ पर पब्लिक लगा दिया। और फिर से मैं देख लूँगा इसमें कोई गलती तो नहीं है, सब ठीक है, ठीक ही है। और मैं अब इस वीडियो को क्या है एडवांस सेटिंग में देखकर अपलोड कर दूँगा, तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन ऑल सब्सक्राइबर्स तक पहुँच जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।